बहुत बहुत नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सभी डायरेक्टर्स को दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, सभी साथियों को हमारे सेफ शॉप के दिल से नमस्कार, और जितने भी हमारे एसोसिएट हैं यहाँ पर जो आज फेस ऑफ के उत्सव में यहाँ पर शामिल होने आए हैं, अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने आए हैं, सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। संजय जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे भी ऐसा लगता है उसी को आगे जाके बोलना चाहिए। संजय जी को आपने सुना, राजीव जी को भी आपने सुना है, ओम प्रकाश जी तो अभी अभी दहाड़ के गए हैं यहीं से। मैं आपको क्राउन एम्बेसडर बनने का एक और बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बस ऐसे ऐसे लोगों को बिजनेस में ले आओ। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि पागल 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 से सब डरते हैं। ये बात मैंने एक पागल से ही सीखी। हमारी कॉलोनी में एक शख्स था जो कमरा बंद करके रहता था, फटे कपड़ों में रहता था, और हम लोग हमेशा उसको खिड़की से बोला करते थे, पागल पागल, उसको हमेशा छेड़ना, और हमें बड़ा अच्छा लगता था ये सब करना। एक दिन वो अपने गंदे से कुचाले कपड़ों में बाहर आ गया और बोलने लगा, इधर आओ। हम तो डर गए, पता नहीं क्या होने वाला, इधर आओ। हम डरते, हाँ भाई बोल पागल, क्या है, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ सकते हो। हमने कहा हाँ, अच्छा तो चलो साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओ, साइकोलॉजी की स्पेलिंग बताओ, चलो। अब उस उम्र में हमें कौन सी साइकोलॉजी की स्पेलिंग आती है। हमने कहा जी हम हार गए, आप ही बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, साइकोलॉजी को छोड़ो, फंसाई चलो जी याद करो। तो दोस्तों उसी दिन सीख लिया कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, फंसाई चलना सीख लो। मुझे याद आता है हमारे नटराजन जी ने वो बात छेड़ी थी कि 40 एमबी का वेब स्पेस, शायद उससे पहले हम 15 एमबी का वेब स्पेस देते थे, लोग कहते थे हवा नहीं बिकती, और हम कहते थे यार बेचने वाले में दिल होना चाहिए, मिट्टी भी बेच सकते हैं, हवा तो बहुत बड़ी चीज है। हमने हवा बेची, देखो उस जमाने में हवा बेची, हवा तो आज आप भी खरीदते हो, खरीदते हो नहीं खरीदते हो, अरे वाईफाई हवा ही है, और क्या है, हवा है कि नहीं है, कितने पैसे देते हो, कहीं मिलता है वो, कहीं भी मिलता नहीं, हवा में ही होता है, लेकिन हम उसके पैसे देते हैं। मैं आपको दोस्तों इन शॉर्ट सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो जर्नी शुरू की है सिर्फ एक आशा से, एक उम्मीद से, कि ये जो शेप शॉप हमारी जो नैया है और इनके हम सब मिल करके खिवैया हैं, तो बस भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम भरोसा कर पाए तो जिंदगी में हमारी जीत है, और अगर भरोसा खो गया तो दोस्तों आपको पता है कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता। हमें लगा कि बस, मैं जानता हूं जब हम लोग, कुछ लोग काम कर रहे थे, लोग कहते थे सर प्रोडक्ट नहीं है, कब तक ये चलेगा, बहुत मुश्किल था हमारा काम, लेकिन आज थोड़ी सी जलन भी हो रही है, हम लोग इतनी मेहनत करके यहां पहुंचे और आपको बड़े आराम से एक पिल्लो दे दिया गया है कि कैसे इधर से सो लो, एक फिल्म याद आ रही है मुझे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। लेकिन ये गाना मुझे क्यों याद आ रहा है, ये गाना मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि देवानंद हेमा मालिनी को जब ये गाना गा के पटा रहा होता है, ऐसे ही पटा रहा होता है, पता नहीं,
लेकिन पीछे बड़ा होता है, कहना ठीक है। तो वो एक एक खिड़की बंद करती है और उसके लिए हमेशा दूसरी खिड़की खुल जाती है, दूसरी बंद होती है, तीसरी तीसरी, देखा होगा ना किसी ने। सेफ शॉप ने दोस्तों आज आपके लिए वही कर दिया, इतनी सारी खिड़कियां खोल दी हैं, जहां से भी आप अंदर आना चाहे आ जाए। और जैसे आह्वान किया है संजय जी ने कि आप क्राउन एम्बेसडर बने, आपको बहुत दिल से बधाई, हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर कोई खिड़की ना मिले तो रोशनदान भी है, समझ रहे हैं? अगर आप आना चाहते हैं तो अंदर आ ही जाएंगे, बस 1500। नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है संजय जी ने, बहुत थोड़ा बोला है, मुझे भी लगता है बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, मोहब्बत बहुत है, बहुत कुछ बोल सकते हैं हम लोग। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं, क्योंकि सारे यहाँ लीडर हैं, यहाँ टॉप टोपा से सारे लोग ऊपर हैं, और वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि लोगों को हमें कैसे समझाना है, कैसे बताना है। मैं हार्दिक दिल से सेफ शॉप और सभी अपने डायरेक्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आज उन्होंने एक ऐसा मौका दे दिया कि अब कोई बहाना नहीं है, अब यहाँ खिड़कियाँ भी बहुत हैं, रोशनदान भी बहुत है, और अगर कभी कोई तकलीफ हो जाए दोस्तों तो हम सब यहाँ आए आपकी मदद करने के लिए, दिल से खड़े हैं और दिल से चाहते हैं आप लोग इस बिजनेस में हमारे साथ अपनी ज़िंदगी बनाएं, प्यार मोहब्बत से रहें। शुक्रिया।